देवी कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें आवाज लग? घड़ी अम्मा रानी साहब, थे क्यों आई? मैं तो आ ही रही थी तारे पास। वो सब तो ठीक है, पर पहले ये बताओ कि ये घूंघट क्यों किया है? ओह, मारवाड़ी लुगाई तो घूंघट में ही चौकी लागे है ना। मैं तो कह रही हूँ थे भी घूंघट राख लियो। तीज भी तो है और तीज के दिन तो हर बीनड़ी अपने पति के लिए प्रार्थना करे है। अब पति के प्यार का, बाके साथ का जश्न मनाना भी तो जरूरी है ना रानी सा। अब तो मैं खुद बूढ़ी हो गई हूँ, पर मारा बड़ा बुजुर्ग माने कह गया है कि सारा साज श्रृंगार करके, पूजा करके, व्रत खोलने के बाद ही अपने पति ने अपना चेहरा दिखाना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन तीज का त्योहार तो कल है, तो तुमने घूंघट आज क्यों किया है? और वैसे भी तुम तो यहाँ हो इतना दूर अपने पति से। दूर हूँ तो क्या हुआ, हमारा पति हमेशा हमारे दिल में तो रहवे है, इसीलिए आज ही राख लियो मैं घूंघट। और आजकल तो फोटो देखकर काम चला लेवे है, तो मैं भी फोटो देखकर व्रत तोड़ लूंगी। ये होती है सच्ची भारतीय नारी। वाह देवी जी वाह, का चुमनिया बात बोली है आपने, वाह बहुत ही बढ़िया जी, शुक्रिया। ये तो पिता से तो बाल बाल बचे, परंतु हमारे नकली बाल तो फिर भी ढूंढने होंगे ना हमें, वो भी जल्दी, वरना एक गलती और सारा खेल खत्म। ठीक है मैं जाऊं हूँ रानी सा, बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है, काल नंदिनी बिटिया भी तो आवेगी ना, ब्याह के बाद पहली हरियाली तीज है उनकी, तो मैं जाकर सब तैयारियां कर लेती हूँ। है बढ़िया मलाई घेवर, बालूशाही, शक्कर पारा सब अपने हाथ से बनाऊंगी मैं। कल तो मजा ही आ जाएगा खाने में। हाँ, बालूशाही तो दिग्विजय को भी बहुत पसंद है, बहुत दिन से उनसे बात नहीं हुई है, फोन किया था फोन नहीं उठाया, शायद बिजी होंगे। बात तो मेरी भी नहीं हुई, पापा ऐसा कभी नहीं करते, है कहाँ वो? काश हम आपको बता पाते कि छोटे भाऊजी कितनी बड़ी मुसीबत में, पर हम वादा करते हैं उन्हें जल्दी वापस ले आएंगे। देवी आगे आगे, मैं पीछे पीछे, फिर मैं आगे और देवी पीछे, ऐसे ही 4 किलोमीटर तक हम लोग चलते हैं। और पर आओ ना, आगे पीछे करके हमारे दिमाग के पेज ढीले कर दिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है हुकुम, मैं जब उसके पीछे पीछे कैफे गई ना, तो वो गुम हो गई। और आपको पता है मुझे बाथरूम से क्या मिला? ये तो बिल्कुल देवी के बालों के जैसा भी है। क्या ये वही है जो हम समझ रहे हैं? एक बच्चा और एक बूढ़ा, इन दोनों पर कभी किसी का शक नहीं जाता, बड़ी भोली भाली बनती है ना वो। अब हम बताएंगे कि चालाकी क्या होती है। पता नहीं इतनी बड़ी खबर आपको देते मेरे हाथ में खुजली क्यों हो रही है। खुजली रुक गई। इसका मतलब हमारा शक सही था, सच जानने के लिए हमें देवी जी से बात करनी होगी। हटो।
नमक, घूंघट के चक्कर में कहीं हमारी अर्थी ना उठ जाए। और फेंको सबके सामने भालू शाही साखर पारे। कढ़ाई में ठीक से तेल डाल दे उतना ही बहुत है, ये सब कैसे बनाएंगे हम? शर्माइए नहीं, बनाइए आप आराम से। कहा है ना, हम तो बस ऐसे ही टहलते टहलते। बालू सही बना रही है ना, इंतजार रहेगा, चलते हैं। 30 डिग्री एंगल पर ऐसे नजर कढ़ाए बैठे हैं जैसे कि बालू सही बनाकर लेकर भाग जाएंगे हम कहीं। माता रानी, बस हम कोशिश कर रहे हैं, पार लगवा दो। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? इतने केयरलेस तो वो कभी नहीं रहे। रानी साहब को तक फोन नहीं किया उन्होंने, है कहां पापा आप? घूंघट के बड़े चर्चे हो रहे हैं इस घर में। अरे अब इसे हटा भी दो, गर्मी नहीं हो रही और यहां कौन से मर्द हैं? और औरतों से कैसी शर्म? इतना डर, कोई राज छुपा रही हो? चंपा दीदी, लगता है इन्हें हम पर शक हो गया है, इसीलिए तो ये हमारे घूंघट के पीछे पड़ी है। अब आज नहीं तो कल ये पर्दा हटने वाला है, तो आज ही सही। लाओ मैं मदद कर देती हूँ। अरे 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 अरे, मारा घूंघट, मारा रिवाज, मारी मर्जी, अगर मारे तरफ एक भी कदम आगे बढ़ाई ना तो यो गरम करची चिपका दूंगी तारे गाल में। अच्छा, तुम्हारे पहले भी ना एक लड़की और धमकियां देकर गई है, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई और तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। ये घूंघट तुम्हें उठा के मानूंगी। अरे डर क्यों रहे हो, आओ। घूम गया है का आपका? कुछ घूमा नहीं, वो रसोई घर में खूब काम है, आऊं। तो फिर इतनी परेशान का है आप? कछू खो गया होगा तो हम ढूंढेंगे। मारा कुछ कोने घूमा है, थे अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे भौजी का घड़ी कहाँ है? हाँ पूर्वक भूल गई, छोटू विदाया क्या हम तेरे, जो तू नहीं बताती वो भी। देख बहन, अब सच सच बता, तू ये सब काहे कर रही है? करना पड़ रहा है रे पिंकुआ, किसी का सच सामने लाना है हमें। परंतु एक बात सुन, इस बारे में किसी को भी मत बताना। हाँ, अरे कोई बुलाया का हमें? फुर्सत से बतियाएंगे तुझे, सब बताएंगे, ठीक है? बहन का कर रही है हम नहीं जानते माता रानी, बस उसका ध्यान रखना, कहीं सबका भला करने के चक्कर में हमारी बहन का ही नुकसान ना हो जाए। ओले हमारा बेबी, लो हम इसको फूफू करके ठीक कर देते हैं।
अभी भी चल रहा है? हाँ, चल रहा है, लेकिन मेरे दिल में आपके प्यार का दिया। दिए की बत्ती जलने दो और घर जाके इसकी मरहम पट्टी करो। हाँ, हम यही हैं और खबर देती रहना जी। जाओ। जी कौन? हेलो पापा, हेलो, कौन है ये? हेलो, हेलो, आज तो फंस गए। हेलो, काट दिया। ये आवाज किसकी थी? ये तो जानी पहचानी सी आवाज लग रही है। ये क्या बम अपने सर पर ले लिया हमने? ताऊ जी भी ना, अपने बेटे को पाने के चक्कर में नहीं, क्या पता ये वीर हमें कच्चा जवा जाएगा। टेलीफोन नहीं उठाया, ये क्या बात हुई? मैं फिर लगाता हूं। हेलो, मेरी पापा से, मेरी मतलब है कि दिग्विजय सिंह रजावत से बात करवाइए। हेलो वीर, बेटा हम ही तो बोल रहे हैं। पापा, क्या वो अपने पापा को भूल गए? पापा, अभी किसी ने फोन उठाया था आपका। कौन था वो? आवाज जानी पहचानी से लग रही थी मुझे। कौन? बेटा आपका फोन तो हमें आया ही नहीं। बेटा वो क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा। पापा हैं कहाँ आप? किसी का फोन नहीं उठा रहे हैं आप। रानी साहब, दादी साहब सब परेशान हैं। हाँ एक्चुअली बेटा, हमें ना थोड़ा टाइम और लगेगा, यहाँ कुछ काम बाकी है, आप हमारी चिंता मत कीजिए। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप घर में सबका ख्याल रखना, हम जल्द लौट आएंगे। हाँ ओके पापा, प्लीज टेक केयर। भूख नहीं है। क्यों? ते भी अपनी बीनड़ी के लिए व्रत रख ले उके। ऐसा हो सकता है क्या देवी? मेरा मतलब है कि क्या एक पति अपनी पत्नी के लिए व्रत रख सकता है? माने समझे कोनी, पति व्रत क्यों? क्यों नहीं देवी, हाल फिलहाल में जो कुछ रानी के साथ हुआ है उससे बहुत चिंता होती है मुझे उनकी। अब तो वो मेरे साथ भी नहीं है, ना जाने कहां मुझसे दूर जाकर बैठ गई है। व्रत तो मैं रखूंगा, रानी को खुद आकर अपने हाथों से मेरा व्रत तोड़वाना पड़ेगा। मैं भी प्रार्थना करूंगी कुंवर साहब की तारी पत्नी
और यो घर की बहू रानी जल्दी वापस आवे और अपने हाथा से तारा व्रत तोड़वाए। माने भरोसा है थारी पत्नी काल आवेगी और थारे संग तीज मनावेगी। रानी होगी तो व्रत खोलने आएगी ना, और इस देवी का खेल भी आज के आज ही खत्म होगा। लागे है थे थक गए हो कुंवर सा, मैं तेल मालिश कर देती हूँ सर में, चोखा लागेगा। अनर्थ हो गयो। ते मारे पति से पहले मारा सकल देख लियो, मारा व्रत बर्बाद कर दिया। यो पंखा क्यों चालू कियो, फिर से नहाना पड़ जाएगा। लिसन, देखिए वो हम ये इसे गलती से, I'm sorry, गलती हो गई। आज दिला में तेल कोनी हुकुम सा, हमारा व्रत तो बर्बाद कर दियो ना ते। हे माता रानी, आज तो पिंकुआ बचा लिया हमें, किंतु अगली बार सतर्क रहना होगा, पापा जी को हम पर शक हो गया है। अंदर से श्रीफल लेकर आओ।
एक्सक्यूज मी। रिलैक्स, घबराइए नहीं। हम सिर्फ जो कल हुआ उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। I'm sorry. देखो, तारी माफी मारा पाप बन जावे है, कोनी बात नहीं, थे बड़े आदमी हो, जान दियो। सुनिए, अब क्या है ना देवी जी, हम देख रहे हैं कि आपको रीति रिवाज की बहुत जानकारी है, है ना? Just curious, मतलब सिर्फ जानना चाहते हैं कि आप कौन से गांव से हैं, किस गांव को बिलोंग करती हैं? क्या है ना कि आजकल आप जैसे अच्छे, सच्चे, ईमानदार और ज्ञानी नौकर मिलते कहाँ हैं? तो हम यही सोच रहे थे कि दिग्विजय ने कहाँ ढूंढ लिया आपको, कहाँ से ले आया दिग्विजय आपको? हमारा गांव कोनी देहात है, छोटी सी जगह है बस। हाँ, नो इश्यूज, देहात ही सही। उस देहात का नाम तो होगा ना, मतलब हमने तो सारा हिंदुस्तान देखा हुआ है और देहात गांव से तो हमें बहुत प्यार है, तो बताइए अपने देहात का नाम है। सुनाई को नहीं दियो, थोड़ा उच्चो सुनो ना। क्या बोलिया? नाम बताइए, नाम। काम, बहुत काम बाकी है, आओ। काम नहीं, आपके देहात का, आपके गांव का नाम बताइए, नाम। पान। पहले खाना खा लियो, फिर पान बना दियो। अरे देवी जी, हम पूछ रहे हैं कि आपके गांव का नाम क्या है। दीवार से चिपकली भी इतना नहीं चिपकती जितना ई हमसे चिपक गए। कैसे निकले यहाँ से? अभी आवाज आ रही है आपको, नाम बताइए देहात का। ओ थरी, गांव का नाम मैं मोतिहारे से हूँ, अब पड़ गई हिमड़े में ठंडक, मैं जाऊं। मोतिहारी, हमारी बात ध्यान से सुनिए। पता लगाइए कि मोतिहारी गांव में देवी नाम की कोई बुढ़िया रहती भी है या नहीं। आप दोनों को अगर शॉपिंग के लिए यहाँ से कुछ भी देख लेना तो आप लोग देख सकते हैं, पूरी मार्केट है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा पार्लर भी है, अगर आपको वहाँ जाना है तो ड्राइवर आपको ले जाएगा। मारे आप सुंदर नहीं है का? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आप सुंदर हैं। ड्राइवर, इनका ख्याल रखना, मैं आप दोनों से मीटिंग के बाद मिलता हूँ, ओके? मैं लेट हो रहा हूँ, और जैसे इनकी शॉपिंग हो जाए ना मुझे कॉल कर देना, ठीक है? पिंकू, ये आपके लिए। नहीं नहीं, इसका कौन जरूरत नहीं है। कौनो प्यार से दे तो मना नहीं करते बुड़बक, हम रख लेते हैं, वो कहाँ है ना, हिसाब के पक्के हैं हम। चलो ड्राइवर भैया, यहाँ के सबसे भौकाल दुकानों में ले चलो हमें। चल चल चल। या I'm coming in 2 minutes, almost there. Yeah, okay, bye. फिर से बुड्ढी का बाल पहन लिए, फिर भी इनका तो सके खत्म नहीं हो रहा, पीछे ही पड़ गए हमारे। डॉक्टर साहब का कॉल। आपने कहा था ना कि आप रोज वीडियो कॉल करेंगी, आज तो स्पेशली करना चाहिए था आपको। आप जानती है ना, आज जानते हैं कि आज तीज है और हमने आपके लिए उपवास भी रखा है। मैंने भी, और इसे आपके हाथों ही तोड़ूंगा रानी। आप परेशान मत हुई, आज का हमारा व्रत साथ ही खुलेगा।
परंतु एक तो शर्त है हमारी, बाकी औरतों के तरह हम भी घूंघट में आएंगे। देखते हैं जरा कितने पत्नी व्रता पति हैं आप, हमें पहचान पाएंगे कि नहीं। पहचान गए तो पूरे नंबर, वरना चैलेंज मंजूर है। लेकिन पहले ही बता दो, हार जाएंगी आप। आपके हाथों से हार भी मंजूर है हमें। मॉम, हम लगाएं आपको मेहंदी? आपकी पहली तीज है, आप बैठिए और एंजॉय कीजिए। हम मेहंदी वाली से लगवा लेंगे। Are you sure? Yes. ठीक है, फिर हम आते हैं। अच्छी तरह से जानते हैं हम, एक तो बार ये शहर की दूरी बढ़ जाती है ना, तो फिर दिल की दूरियां भी बढ़ जाती है। बहुत नाराज है हम तुमसे दिया। तीज की बहुत बहुत बधाई हो रानी। हम बुढ़वक, तुमको भी। सॉरी यार, मैं थोड़ा बिजी थी, लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, इसीलिए फोन नहीं कर पाई। सॉरी, हम भी सारी। फोन उठाते ही बरस पड़े ना तुम पर। ये तुम मुझसे पूछ रही हो या बता रही हो? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारी तीज की तैयारियां कैसी चल रही है? अब क्या तुमने अपने उनके लिए भी उपवास रखा है? सिर्फ हम ही नहीं, वो भी रखे हैं हमारे लिए। क्या बात कर रही हो, सच्ची? हाउ रोमांटिक। अच्छा तुम रेडी हो गई? हाँ, वो बुड्ढी का बाल उतार दिए, अब बस अपना बना लेंगे। बुड्ढी का बाल? लेकिन अभी तो तुमने बोला तुम्हारा उपवास है, तो तुम बुड्ढी का बाल कैसे खा रही हो? हप्पड़ वक, वो खाने वाला नहीं। अब का बताए तुम्हें, बहुत लंबी कहानी है। घर में इतना बवाल चल रहा है ना, तो हम उसे सुलझाने के लिए देवी बने, अब एक तो बुढ़िया का भेस बदले। सच्ची यार, तुम बुड्ढी के रूप में भी कितनी क्यूट लग रही होंगी, पक्का। तुम्हें हंसी आ रही है? यहाँ हम इतने टेंशन में, उसका का? टेंशन मत लो, तुम्हारी सारी मुश्किलों के पीछे उसे हल करने का तोड़ छुपा है। बस उसे ढूंढने की देर है, तुम्हारी सारी मुश्किलें झट से दूर हो जाएंगी। हल तो हम ढूंढ ही लेंगे, परंतु तुम्हारा चौचक फेस कब दिखने मिलेगा? हाँ, कब आ रही हो मिलने हमसे? इस बार सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आ रही हूँ, सबसे मिलने आ रही हूँ 23 अगस्त से शाम 7 बजे ZTV पर। आई गजब, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम तीज के लिए तैयार हो जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय।